लंग कैंसर की मोटे तौर पे चार स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन, जहां वो छोटा सा ट्यूमर है और लंग के अंदर तक ही सीमित है, लंग के बियॉन्ड वो कहीं नहीं फैला है, उसको हम स्टेज वन कहते हैं। स्टेज टू, जहां वो ट्यूमर थोड़ा बड़ा हो गया है और लंग के आसपास, लंग के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, उसमें फैल गया है, उसको हम स्टेज टू कहते हैं। स्टेज थ्री, जहां वो ट्यूमर लंग में और ज्यादा बड़ा है और चेस्ट के बीच में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम मीडियास्टाइनल लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसमें फैल गया है, उस स्टेज को हम स्टेज थ्री कहते हैं। और स्टेज फोर हम कहते हैं जब वो चेस्ट की जो वॉल है उसमें इन्वॉल्व कर ले, पानी भर जाए चेस्ट के अंदर या लंग्स के बाहर शरीर के दूसरे हिस्सों में, लिवर में, किडनी में, बोन्स में, ब्रेन में या और कहीं बॉडी में जब ट्यूमर फैल जाता है तो उसको हम स्टेज फोर कहते हैं। तो वन टू थ्री ये तो चेस्ट के अंदर ही कन्फाइंड है और फोर जब वो चेस्ट के बाहर फैल गया है, ये चार स्टेजेस होती हैं। इनका पता एक सीरीज ऑफ टेस्ट से लगता है जिसमें सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, पेट स्कैन और जरूरत पड़ने पर एमआरआई, इन सब इन्वेस्टिगेशंस का सहारा लेकर के उसके बेसिस पे लंग कैंसर पेशेंट्स की स्टेज का पता लगाया जाता है। यह पता लगाना निहायत जरूरी है क्योंकि ट्रीटमेंट स्टेज के अनुसार डिफर करता है। स्टेज वन का ट्रीटमेंट अलग है, टू का अलग है, थ्री का अलग है, फोर का अलग है। तो अगर हमने स्टेज डायग्नोस करने में गलती कर दी तो ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगा। इसलिए स्टेजिंग लंग कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। धन्यवाद।